मैंने सुबह सुबह नूडल्स निकाल के यहाँ रख दिए थे भाई। कबूतर खा रहे हैं, कबूतर नहीं कौवे खा रहे हैं। पराठे की शेप देखें कैसी गोल गोल बनी है। सुबह तकरीबन यहाँ पे 8 बज रहे हैं और मैं जहाँदेव का नाश्ता बना रही हूँ। जल्दी जल्दी जो काम है वो भी करते हैं और नाश्ता बना के रखना है, पराठे बनाने जल्दी जल्दी, तो मैं बनाती हूँ आज। फिर आटा भी गूंदना है, आज आटा ख़त्म हुआ है। कौवे उतने होशियार होते हैं, मैं उनको देखती हूँ फ़ौरन से अप्लाई कर जाते हैं। सुबह इस बार मिर्ज़ा को भी खाना डाल दिया है, जहाँदेव भी जा रहे हैं ऑफिस और ये भाई बैठे रहते हैं। सुबह सुबह जहाँदेव ऑफिस जा रहे हैं और मिर्ज़ा जहाँदेव कुछ देख रहे हैं मोबाइल में। What do you want? दोपहर का टाइम है, देखो दोबारा मिर्ज़ा खाना मांग रही है। मेरी शोफी अभी तो मैंने आपको खाना डाला है, मैं इतना खाना कहाँ से लेकर आऊँ? ये बच्चे पैदा करेगी, अब तुम बेबी देने वाली हो, फिर तुम्हें तयब्बू छोड़ के आ जाएंगे, मैं तुम्हें कितना मिस करूंगी। देखो तुम्हारी मम्मी मासूमा को भी छोड़ के आ गए, तुम्हें कितना रोई थी। और ये दोनों चली जाएंगी, तुम कहाँ जाओगी पता नहीं, बिल्लियाँ में कैसे तुम्हारे बच्चे सरवाइव करेंगे और मुझे कितना दुख होगा। अपने घर पे मेरे पास जगह भी नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ आती अपने, वहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी बिल्लियाँ हो गई हैं। करना उनकी हिफाजत करना और प्लीज मुर्ज़ा चली जाओ, ये सूफिया भी चली गई, तुम भी चली जाओ कहीं। बहुत सारा उनको रखने की जगह डाल दिया लेकिन हमें चीजें नहीं दी। पार्क में देखें दो कोयल आई हुई हैं और किस तरह से आपस में खेल रही हैं और कितनी प्यारी लग रही हैं दोनों। शायद आपको नजर आ रहा हो, मैं और जूम करके दिखा रही हूं, खेल रही हैं। मैंने सुना है कि ये देखें इन घास के छोटे छोटे डॉट लगने लगे, कितनी प्यारी है। इनसे कौवा भी आ गया है जिसके जरिए मैं जहाँदेव का वेट कर रही हूँ। मैंने दूध और अंडे मंगाए उनसे और इनसे जब तक नहीं आते हैं थोड़ी सी ब्लॉगिंग करते हैं, रिस्क होता है अल्लाह की तरफ। बेसिकली ब्लॉगिंग करनी आती नहीं है, स्कूल लाइफ में आज एक दिन इंशाल्लाह हमें हमारी मिस ने बताया था। मेरे शौहर भी आ गए, जहाँदेव भी जा रहे हो, मैं कब से यहीं खड़ी हूँ। शौहर नाउ माय हस्बैंड भी आ गए, दूध मंगवाया जल्दी से, मैं दूध ले लेते हैं। किचन का थोड़ा सा काम रह गया वो भी करना है। मोहम्मद व्हाट आर यू ईटिंग? Take a bite, meri jaan, take a bite. What are you looking? Oh, it's delicious. Where is tissue? Clean your face. Firstly, clean your face. Mammu ki jaan. Ignore background. Yahan ke abhi asar nahi chade, mujhe mil nahi rahe the. देखिए मैंने बच्चे को कैसे गुस्सा करा है। एंग्री मोहम्मद, आर यू एंग्री? आई कैन सी यू, कीप कूल। मेरा बच्चा हमेशा कूल कूल रहता है। द क्रो इज फ्लू अवे, द कैट इज फ्लू अवे। कैट इज फ्लू अवे नो लेट Cats are walking. Mohammed, let's play hide and seek. Hide and seek. Oh my God! नहीं सारे पैसे, ये तो अभी से पैसों पे जान देता है। मेरा पर्स निकाल के पैसे रख रहा है और पैसे निकाल रहा है, पैसे रख रहा है, पैसे निकाल। मोहम्मद प्लीज गिव मी अ मनी, इट्स माइन। ओके इट्स माइन। नो नो नो, आई डोंट गिव यू, आई विल डोंट गिव यू, आई विल नॉट गिव यू। मोहम्मद प्लीज गिव मी अ मनी, प्लीज प्लीज, इट्स माइन, इट्स मम्मीज मनी। ये बैग मुझे अरीबा ने दिया था, अरीबा की तरफ से, अरीबा की मम्मी ने दिया था एंगेजमेंट पे, यानी मेरी जिठानी ने, मेरे जेठ की जो होने वाली वाइफ है। थैंक यू सो मच अरीबा। मैंने सुना नहीं है लेकिन मुझे लगता है तुम मेरे व्लॉग देखती हो, तो अगर आप मेरे व्लॉग्स देखती हो तो थैंक यू। और इस बैग के लिए आपने मुझे दिया था, अच्छा बैग है। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम इसका यूज़ किया जब मैं डेंटिस्ट के पास गई। आज सुबह ही सुबह का वक्त और हमारी केस चेक करें आप कैसे आ रही हैं।
और ये बन रहा है पराठा। ये मैंने चकोर पराठा बनाया जो मेरी दोस्त फरी ने मुझे सिखाया था। फरी देख रही हो मेरा ब्लॉग, तो ये तुमने मुझे बनाना सिखाया था और ये मैं सीख गई थी एक दफ़ा में। चांदीप को बहुत पसंद है उनके लिए बना के। ये झांझे पे रास्ता तैयार हो गया है। ये झांझे ऐसे अंडा खाते हैं। भाई का परांठा बन रहा है, पहले से बना कर रख दें। भाजी का लंच बॉक्स मैंने पहले ही बना के रख दिया, सुबह ही सुबह सब कुछ बना के रख देते हैं गैस की वजह से। अब जब से हमारी ज़िंदगी में मोहम्मद आए तो झांझे की ज़्यादा फोकस जो होता है वो मोहम्मद पे होता है। तो पहले मेरे लिए चीज़ें आया करती थी, अब मैं सेकंड पर्सन हो गई हूँ। अब मोहम्मद जो है वो फर्स्ट पे हैं, तो मोहम्मद के लिए प्यारे प्यारे कपड़े आते रहते हैं। ये फर्स्ट टाइम नहीं आए, ये आते ही रहते हैं। जहाँ जब भी जाते हैं, जब भी आते हैं, तो मोहम्मद के लिए कपड़े लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद की तरफ से। अल्लाह पाक मोहम्मद के सदके आपको बहुत दे, और इसी तरह मोहम्मद को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं, अच्छा अच्छा खिलाएं। जज़ाकअल्लाह। आज रूम मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है, और ये कपड़े मैं इसलिए रखती हूँ यहाँ पे, मोहम्मद को बहुत ये पीछे करते हैं, बहुत कपड़े गंदे करते हैं। मैं इनको यहाँ पे लिटाती हूँ लाके, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ता है कबर्ड में। अभी कबर्ड में जब मैं आती हूँ तो ये रोते हैं और फिर ख़ुद भी उतर के आ जाते हैं, फिर मैं इनको वापस लेके जाती हूँ। इसलिए मेरे पास सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, तो मेरे लिए आसानी होती है। हाँ, इनके सॉक्स रखे हैं और इनका तकिया, और ये कबर्ड सब साफ़ कर। ये इनका फीडर का कॉर्नर है, ये बिल्कुल ड्रेसिंग मेरी तो तकरीबन ख़राब हो चुकी है। ये फीडर का कॉर्नर है इनका। ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है जो बहुत डेकोरेशन के साथ सजी रहती थी यहाँ पे, लेकिन अब नहीं सजी रहती जब से मोहम्मद आए। अब बस ये थोड़ा सा कॉर्नर ये मैंने सजाया है। इस तरह से मैंने अपनी वॉल पर डेकोरेशन की थी जब मोहम्मद पैदा होने वाले थे। ये मोहम्मद के लिए मैंने एबीसीडी लगाई है। ये मैंने इनके लिए फीडर मंगाई थी जिसमें आप कोई भी फ्रूट डाल दो और इसके अंदर डाल दो फ्रूट, ये ऐसे खुलता है। ये मुझसे खुल नहीं रहा, इसके अंदर डाल के ही कैप ऑन होता है। इसमें फ्रूट डाल दो, इसमें से फिर जूस निकलता है जब बच्चा सक करता है। तो ये यहाँ पे लगी थी इस तरह से ये दोनों फीडर रखे। डेकोरेशन है और मोहम्मद के लिए एबीसीडी मैंने लगाई हुई है। यहाँ मोहम्मद को मैं पढ़ाती थी, ये बैलून था, ये टिकटॉक था, ये कैमरा, इस ग्लास। तो इस तरह से मैं मोहम्मद को पढ़ाती रहती थी। ये आर्ट मैंने बनाई थी बहुत शादी से पहले। बेसिकली बनाने का मकसद है कि मेरी मम्मा है और ये मैं हूँ। फिर ये मैंने अपनी सास को भी गिफ्ट की थी। फिर जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे नज़र आई, फिर मैंने काट के यहाँ पर लगा दी। ये मैंने मोहम्मद के लिए ऑर्डर करके मंगाया था कि मोहम्मद इनको देखें खेलें, लेकिन इससे भी नहीं खेलेगी। एक मिठाई का डब्बा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मिठाई आई थी और मैंने यहाँ पे लगा दिया था। ये मोहम्मद की एलईडी है। ये मेरी इंगेजमेंट की पिक्चर है, सेंटर में मेरी इंगेजमेंट की पिक्चर है। ये छोटा सा मेरा रूम है। ये कर्टेन है, ये मेरी शादी में मेरी सास ने मुझे दिए थे। ये चीज़ें इस तरह से मैं डेकोरेशन करती थी। वो घड़ी जो है वो मैंने ऑर्डर करके मंगाई थी, ये मैंने बनाया था। यहाँ मैंने मोहम्मद का 6 मंथ की जब बर्थडे की थी ना, तो मैंने पूरा डेकोरेशन किया था। इस वजह से यहाँ पे सारी टेपिंग हुई हुई ख़राब हो चुका है। यहाँ मोहम्मद की मम्मी सोती हैं, यहाँ मोहम्मद सोते हैं, और यहाँ मोहम्मद के डैडी। उनको ऊपर बेड पे नींद नहीं आती है। ये मोहम्मद की 6 मंथ की बर्थडे बनाई थी, उसकी डेकोरेशन। हमारा बेड छोटा है, मैं कहती हूँ मैं एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन वो कहते हैं बेड छोटा है, मैंने बेड पे नहीं सोना। वो बहुत लंबे हैं यहाँ से लेके वो वहाँ तक से, तो हम दोनों आसानी से सो जाते हैं, ये शुरू से नीचे सोते हैं। ये देखिए आज मैंने फ़ैन भी ऑन किया हुआ है क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी आज, मुझे गर्मी लग रही थी क्योंकि मैंने ऑगमेंटिन खाई है ना दांत के दर्द में काफ़ी सारी। हाँ बीबी मैं लेती हूँ आपको, ये कह रहा है कि मुझे ऊपर लेकर आओ। अच्छा मैं आपको लेती हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाप बेटे कैसे वीडियो कॉल ये देख रहे हैं, आईपैड पे गेम खेल रहे हैं, और ये देखें इनका फेवरेट चिड़िया बोली चू चू चू, ये देख रहे हैं। मम्मी एडिटिंग कर रही हैं, पूरी फैमिली बिजी है हमारी। मोहम्मद लाइट डाउन मेरी जान, लाइट डाउन।
जहाँजेब का गेम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। हमारी इस गेम के पीछे इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं लेकिन जहाँजेब ने गेम ख़त्म नहीं किया। अभी तक गेम खेलते रहते हैं बच्चों की तरह। वेरी गुड, आगे रन अवे क्रॉसेस। हाँ आ ब्रिज इस रिफ्लेक्शंस री 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 रिफ्लेक्शंस गुड।